अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, छत पर आ गए हैं और कबूतरों को पहले खोलते हैं। ये कबूतर रात के टाइम भी खुला हुआ होता है, रेसर कबूतरों का बच्चा है ये। और ये दूसरे सारे कबूतर पहले इनका आपको शो करवाते हैं, फिर इनको निकालते हैं कि अपने कैद से बाहर। ये देखें अजी, काले तीतर भी और ईरानी तीतर भी छत पर लेकर आए हैं, तो वो भी आपको दिखा दें, इनका भी शौक करवाते हैं। ये माशाल्लाह मेरे कबूतर, और ये जोड़ा ये ऊपर बैठा हुआ है। ये जैसा शिराजी कबूतरों की फीमेल स्मेल के साथ लग चुकी है, और एक बच्चा वो निकल गया है उस तरफ। और काले तीतर भी चार बच्चे लेकर आया था, उनमें से दो एक्सपायर हो गए और दो मेरे पास माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब मेल हैं या फीमेल वो आप देख कर बताएँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले इनको निकालते हैं कबूतरों को बाहर। अजीत हम सारे कबूतर निकल आए बाहर, और कबूतरों को भी पानी दे दिया है, पानी पी भी रहे हैं और पानी में नहा भी रहे हैं। सारे कबूतर इस तरफ आ गए, और मुर्गियाँ भी इनके साथ खुली हुई हैं, और ये चूज़े भी माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। ये नौ चूज़े हैं हमारे पास इस मुर्गी के। अजीत हम सात अंडे मैंने हीरी मुर्गी के, कहाँ गई इस हीरी मुर्गी के मैंने सात अंडे इसके नीचे रखे थे, मगर ये एक ही बच्चा बिल्कुल वाइट बना है। देखते हैं ये वाइट ही रहता है या आगे चल के इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। और यहाँ से भी मैंने काफ़ी परिंदे नीचे शिफ्ट कर दिए गर्मी की वजह से, आज भी पाँच छः परिंदे मेरे मर गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी गर्मी है, ये ऊपर पड़े हुए हैं कॉकटेल वगैरह, वो मैंने नीचे रखे हुए हैं, जो ब्रीडर हमारे जोड़े थे कॉकटेल के। अजय हम ये कह दी माशाल्लाह ये बन चुके हैं, और ये मैंने नीचे ये बागे भी बना दिए हैं, इनके ऊपर ये केज रखे हुए हैं। और एक दो केज को मैंने इसको भी जाली लगा दी, इसमें रंगने छोड़ेंगे, तो इस वजह से इसको मैंने ये जो नीचे मजबूत वाली जाली पड़ी हुई थी बड़े केज की, तो वो मैंने लगाई है दोनों साइडों से, इस तरफ से भी और इस तरफ से। और यहाँ पर भी जाली लगी हुई है, मगर कैमरा में आपको शायद अब ये नज़र आ रही है, दूर से इतनी नज़र नहीं आती कि यहाँ पर जाली लगी हुई है। यहाँ पर ही मैंने लगाई है, और कुछ जाली ये ऊपर पड़ी हुई है, कुछ ये नीचे पड़ी हुई है जाली, तो ये काफ़ी जगह ये खुली हुई है, इनको भी जाली लगानी है। और ईरानी की तरफ का जोड़ा मैंने यहाँ पर छोड़ा था, मगर गर्मी की वजह से वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, वो भी बाहर खड़ा हुआ है, नीचे रखा था मैंने, अभी छत पर लेकर आए, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ से भी कॉकटेल आज दो एक्सपायर हुए हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ता भी मर गया है, वो भी आपको दिखा दें। ये देखें दो कॉकटेल, एक ऑस्ट्रेलियन और दो ये लोटिनो पर्सनल था कॉमन लोटिनो, सॉरी ये दो कॉमन लोटिनो भी, वो भी मैं नीचे ले गए, वो नीचे पड़े हुए हैं गर्मी की वजह से, एक्सपायर हुए हैं। अजी दोस्तों, ये ईरानी तीतरों की जोड़ी है, ये फीमेल है, ये भी थोड़ी सी बीमार है, मगर इसकी दवाई वगैरह चल रही, तो ये माशाल्लाह अब कुछ बेहतर हुई है, सही से देख पा रही है, वरना तो इसकी आँखें ही नहीं खुल रही थी, आँखें बिल्कुल उसने बंद कर दी थी। और काले तीतर के ये दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह, चार लेकर आया था और दो एक्सपायर हो गए थे, बिल्कुल ये छोटे थे, तकरीबन अंडों से निकले हुए, एक दो दिन के निकले हुए थे अंडों से, और माशाल्लाह ये दो बड़े हो चुके हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। तो अगर आपको किसी दोस्त को मालूम हो, समझ में आ रहे हो कि ये मेल हैं या फीमेल, तो कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। एक वो उस तरफ है, वो थोड़ा डरता है, इस वजह से इस तरफ नहीं आता, और ये हाथ पर माशाल्लाह खाता भी है, और हाथ पर ये देखें लड़ाई भी करता है। अभी सलाम मैंने इनको बाजरा दिया हुआ है, सुबह सवेरे उठकर इनको दाल दे देता हूँ, वो खाते हैं, उसके बाद बाजरा दे देता हूँ, और रात के दिन फिर से इनको दाल डाल देते हैं इनके कनोली में, तो ये खा लेते हैं माशाल्लाह बड़े शौक से। और रात के टाइम तकरीबन एक दो घंटे के लिए इनको खोल देता हूँ, घर पर ये घूमते रहते हैं, मट्टी में खेलते रहते हैं। अजीत उसमें कबूतरों को भी दाना देते हैं, और कबूतरों को दाना देंगे तो ये जाकर अपने बच्चों को भी दाना देंगे, वो भी इनके बच्चे भी काफ़ी टाइम से भूखे, तो चलिए इनको दाना देते हैं। सारे कबूतर और मुर्गियाँ घास नहीं खाते हैं। आह 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 आह
इन चूजों में तकरीबन 7 मेल बने और 2 फीमेल, एक तो फीमेल वो सामने नजर आ रही है, एक फीमेल है और एक मेरे ख्याल में ये फीमेल है और दूसरे ये सारे ये मेल लग रहे हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर सही से मालूम पड़ेगा। और वो भी मुझे फीमेल नजर आ रही है क्योंकि इसकी भी ये दुम निकली हुई है। जो बच्चे पहले अपनी पूंछ निकालते हैं तो वो मेरे ख्याल में फीमेल बनती हैं और जो बाद में तो वो मेल बनते हैं। देखते हैं अब ये ऐसा होता है या नहीं। अजी दोस्तों आज काफ़ी नुकसान हुआ है, 5 परिंदे भी मर गए हैं और ये लोगों को भी थोड़ा ढीला सा नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी गर्मी और उस तरफ देखे मुर्गी और चीतल आपस में लड़ रहे हैं, ये मुझसे भी लड़ाई करता है और मुर्गियाँ या कबूतर कोई भी परिंदा इसके करीब जाए तो ये उनसे भी लड़ाई करता है। और ये फीमेल जो कि माशाल्लाह फीमेल को कल से दवाई दे रहा हूँ, माशाल्लाह थोड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी बीमार हो गई थी। अजीत हाँ काफ़ी टाइम से छत से नीचे चला गया था और दोबारा आकर कबूतरों को भी और मुर्गियों को भी दाना दे दिया। ये अपना दाना खा रहे हैं और ये कबूतर देखें, ये अब भी और ये सारे कबूतर और चूजे मुर्गियाँ अपना दाना खा रहे हैं। और जैसे ही छत पर आया तो ये सारे चूजे इस कबूतर के बच्चे को, ये भी एक कबूतर इस तरह बैठा हुआ है, इसका भी पेट भरा हुआ है और ये अंडों पर बैठा हुआ है। ये देखें इसके कबूतर के पर ये खा रहे थे, ये जो नए इसके पर निकल रहे हैं इस तरफ से भी और उस तरफ से, दोनों तरफ से ये खून खून लगा हुआ है। फिर से ये चूजा इस तरफ आ गया तो इनको काफ़ी कोशिश करता हूँ यहाँ से भगाने की, मगर ये बार बार अंदर चले जाते हैं और इनके कबूतरों के बच्चों को तंग करते रहते हैं, इस बच्चे को भी। और वो देखिए वो भी जाकर कोने में बैठा हुआ है, इन दोनों बच्चों को तो ये तंग करते हैं। ये भी बच्चा पहले छोटा था तो इसको भी तंग करते थे। उनका एक दूसरा बच्चा था जो वो भी चूज़ों ने उठा लिया था यहाँ से, और ये एक ही बच्चा ये माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। अजी तो हम वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में।